हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। मैं गुरप्रीत सिंह, आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल हारमोनियम गुरु में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल से देखा है कि आज मैं आपको एक राग सिखाने वाला हूँ जो कि आपकी गायकी के लिए बहुत ही बेसिक राग है और आप उससे बहुत अच्छी गायकी तैयार कर सकते हैं, अपना गला तैयार कर सकते हैं। देखिए, शुरुआत अगर सिंपल हो तो आगे चलना आसान हो जाता है, अगर शुरुआत ही हमारी मुश्किल हो तो हमें आगे बढ़ना ऑटोमेटिकली बहुत मुश्किल आती है। तो आज इसी तरह कुछ सिंपल से बेसिक से राग से शुरू करेंगे। बहुत सिंपल राग है, हर कोई ये राग गा सकता है, बहुत सिंपल है, स्पेशली बिगनर लोगों के लिए है और एडवांस लोग भी इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। तो ये जो राग है, राग भोपाली। तो ज़्यादा कुछ मैं इसकी डिटेल में बात नहीं करूँगा, सिंपल सिंपल बात करेंगे हम। इसके आरोह के बारे में बात करेंगे, अवरोह के बारे में बात करेंगे, पकड़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और रही बात, काफ़ी लोग क्या सोचते हैं कि राग को हमेशा उसी के टाइम पे गाना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग रियाज करें, रियाज करने का कोई टाइम नहीं होता, आप किसी भी टाइम किसी भी राग को गा सकते हैं, ठीक है। हम कौन सा इतने बड़े जो ज्ञानी हैं या गुरु हैं, या फिर हम उस चीज़ को उसी टाइम में करें, ठीक है। हम तो अभी सीख रहे हैं तो हमें किसी भी टाइम में कर सकते हैं, ऐसा कोई इसके ऊपर बाउंडेशन नहीं कि आपको राग भोपाली का जो समय है उसका जो फिक्स टाइम है उसी पर आपको करना है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं राग भोपाली में। तो राग भोपाली में पांच स्वरों का प्रयोग है, सा, शुद्ध, रे, शुद्ध गा, पा, धा, ठीक है। और इसकी जो जाति है, ऑर्डर ऑर्डर है, ऑर्डर ऑर्डर जाति इसलिए है क्योंकि इसके जो स्वर हैं, पांच स्वर इसके आरोह में लग रहे हैं और पांच ही इसके अवरोह में लग रहे हैं, ठीक है। और पकड़, पकड़ का मतलब क्या होता है, जनरली लोग पकड़ से कन्फ्यूज होते हैं कि ये पकड़ चीज़ क्या है। पकड़ वो चीज़ होती है कि वो स्वरों का एक पैटर्न होता है जिससे हम उस राग को पहचान लेते हैं। यानी कि अगर आप वो पकड़, किसी भी राग की कोई भी पकड़ है और आप उसको बजाओगे और जो बंदा एक गुणी बंदा है जिसने वो रागों को अच्छे से करा हुआ, वो आपको फट से बता देगा कि ये राग भोपाली है। हालांकि आप उसके सामने आरोह अवरोह कुछ नहीं बजाओगे, खाली पकड़ बजाओगे तो वो उस पकड़ से वो राग को पकड़ लेता है कि ये वाला राग फलाना राग है। तो चलिए आरोह अवरोह से शुरू करते हैं, फिर इसके अलंकार भी करेंगे, सारा कुछ इसकी आने वाले टाइम में आपको धीरे धीरे सब कुछ सिखाता जाऊंगा। सबसे पहला फोकस रहेगा, हमें इस राग के बारे में सीखना है, इसका आरोह अवरोह पकड़ और इसके अलंकार। देखिए, जैसे हम अलंकार करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमें राग के जो स्वरों के ऊपर हमारा जो ठहराव बनता है, हमें उसके स्वरों की पहचान होती है, स्वर ज्ञान होता है। तो इसलिए हमें जो राग के अलंकार होते हैं वो करने बहुत जरूरत है। तो चलिए पहले, सबसे पहले इसका आरोह अवरोह देखते हैं। ये सा है, रे, गा, पा, धा, सा। देखिए, सा, रे, गा, पा, धा, सा, सा, धा, पा, गा, रे, सा। ये इसका आरोह, दोबारा देखते हैं। सिंपल सा राग है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल है और इसमें सारे स्वर लगने वाले शुद्ध है। अब इसकी पकड़ देते हैं। ग रे गा पा, गा पा धा पा, गा रे सा सा। दोबारा देखते इसकी पकड़ के, ग रे जिससे हम राग को पहचानते हैं। अगर आप किसी भी गुणी आदमी के सामने या फिर जो संगीत की बहुत अच्छी नॉलेज रखता है, बहुत अच्छे रागों की नॉलेज रखता है, अगर आप उसके सामने ये खाली पकड़ बजाएंगे तो वो आपको फट से बता दें कि ये राग भोपाली है। तो इसका मतलब, पकड़ का मतलब ये होता है, पकड़ और चलन एक ही चीज़ होती है, ठीक है, जिससे राग को पहचाना जाता है। तो अभी इस राग के अलंकार आपको वीडियो में डिस्प्ले हो रहे होंगे। तो ये अलंकार सेम एज इट इज़ जैसे आप अपने पहले राग अलंकार करते, बिल्कुल सिंपल सा ट्यूटोरियल है, कुछ नहीं है। जैसे आप अपने अलंकार करते वैसे ही आपको इन अलंकारों को करना है। पहला अलंकार आप देख सकते हैं, सिंपल आरोह अवरोह है, सा रे गा पा धा सा, सा धा पा गा रे सा। इस तरीके से आपको गाना और बजाना है। दोबारा देखिए, सा रे गा पा धा सा,
प्रकार सा सा रे रे गा गा पा पा धा धा सा 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 धा धा पा पा गा गा रे रे सा सा। ठीक है, स्लो में ऐसे गाएंगे आप लोग भी, ऐसे ही गाओ जैसे मैं गा रहा हूं। देन तीसरा अलंकार सा रे गा रे गा पा गा पा धा पा धा सा सा धा पा धा सॉरी देखिए सा धा पा धा पा गा पा गा रे सा। ठीक है, देन इसी को एक बार रिपीट करता हूं सा रे गा रे अलंकार आपका चौथा अलंकार था। देन आगे पांचवा अलंकार तरीके से पहले आपको स्लो हर एक अलंकार को 10-10 बार रिपीट करना है, 10 बार रिपीट करेंगे। जैसे आपका पहला अलंकार है सा रे गा पा धा सा सा धा पा गा रे सा, इसको 10 बार रिपीट करना है। 10 बार रिपीट करने के बाद फिर दूसरे अलंकार पर जाना है, फिर तीसरे अलंकार को दूसरे अलंकार को 10 बार रिपीट करना है, फिर तीसरे अलंकार पर जाना है, फिर तीसरे अलंकार को 10 बार रिपीट करना है, फिर चौथे पर जाना है, फिर इसी तरह पांचवा, इसी तरह चौथा, सारे अलंकार करना। देन लास्ट में आपको क्या करना है, तो जब आप ये सारे अलंकार 10 बार हर एक अलंकार को 10-10 बार रिपीट कर लेंगे, फिर आप इन अलंकारों को थोड़ा फास्ट बजाने की कोशिश करेंगे। फास्ट बोले तो सा रे गा पा धा सा सा धा पा गा रे सा सा रे गा पा धा सा सा धा पा गा रे सा, फिर इसी तरह दूसरे को फास्ट सा सा रे रे गा गा पा पा धा धा सा 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 धा धा पा पा गा गा रे रे सॉरी रे रे सा सा। देन तीसरा सा रे गा पा गा पा धा पा धा सा सा धा पा धा पा गा पा गा रे पा रे। देन चौथा सा रे गा पा धा गा पा धा सा सा धा पा गा रे पा गा रे सा। इस तरीके से आप हर एक अलंकार को जैसे पहला स्पीड में आप 10 बार बजाओगे, देन दूसरा 10 बार, तीसरा 10 बार, चौथा फिर पांचवा, इस तरीके से इस स्पीड में आप 10 बार बजाओगे। जब ये स्पीड भी हो जाए फिर आप और फास्ट करके देखना। ठीक है, इस तरीके से इस स्पीड में भी आपको हर एक अलंकार को 10 बार दोहराना है। पहले पहले अलंकार को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, फिर पांच बार, और बाद में आपको लास्ट ये अलंकार आकार में भी ट्राई करना है। आकार, उकार, ईकार सभी में इसको ट्राई करिए और आपकी वोकल में देखिए, हफ्ता इसको करके देखिए इस रियाज को, और फिर पहले दिन रियाज करिए, उस दिन अपनी वोकल रिकॉर्ड करिए, फिर हफ्ते बाद यही रियाज करते रहो कंटिन्यूसली, फिर हफ्ते बाद अपनी वोकल रिकॉर्ड करना और खुद देखिएगा कि आपके गले में कितना फर्क आता है। ये सिंपल सा रियाज है, सिंपल सा राग है, आपकी गायकी में बहुत हेल्प करेगा, आपके स्वर पक्के करने में बहुत हेल्प करेगा। तो बहुत बेसिक राग है, आप इसको तैयार करिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो कहीं पर भी आपको दिक्कत लगे कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जहाँ पर ना समझ आए आप वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, तो वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया।